ये न्यूज के प्रायोजक हैं proskillhub.com। अब अच्छी नौकरी पाव भाषा आईटी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। खबर मध्य प्रदेश से है और बेहद काम के है और खास तौर में अगर अपना 500 के और 100 के नोट अपना के लगे हैं तो इधर की अपना अपने नोट का चेक जरूर कर ले। कहें से कि हो सकता है कि नोट नकली हुए। कहें से कि मध्य प्रदेश में इस समय नकली नोट के गिरोह जो है काम कर रहा है। तो मध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहाँ पूजा प्रापंच समय जन का प्रणाम कही से शुरू करी थी। बड़ी खबर से बता दें कि ग्वालियर पुलिस के द्वारा माधवगंज थाना क्षेत्र में नकली नोट बनवे वाले गिरोह के पर्दाफाश की गा है। पुलिस के द्वारा दो आरोपियों का गिरफ्तार करके उनके कब्जा से 100 और 500 के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस के द्वारा बताया गया कि एसपी अमित सांगी का मुखबिर के जरिए जानकारी मिली रही, जहां जानकारी मिलते है एसपी के द्वारा एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडौतिया का आरोपी के पता लगाए के गिरफ्तार करे के निर्देश दिए गए रहे। एडिशनल एसपी दंडौतिया के द्वारा माधवगंज थाने और क्राइम ब्रांच थाने के संयुक्त टीम बनाई गई। डीएसपी क्राइम सियाज के एम के द्वारा जानकारी दी गई कि पुलिस के द्वारा बताए जाए वाले स्थान कृष्णा कॉलोनी में छापामार कार्रवाई की गई, जहां दो लोग मिले जिनके लगे कलर प्रिंटर डेस्कटॉप स्कैनर बॉन्ड पेपर रखे मिले। तलाशी लिए पर कमरा में 100 रुपया और 500 रुपया के नकली नोट घलाए बरामद भी हुआ। पुलिस का 500 रुपया के 12 नकली नोट और 100 रुपया के 11 नकली नोट मिले हैं। गिरफ्तार आरोपी में एक आरोपी मुरार तो दूसरा आरोपी पुरानी छावनी क्षेत्र के रहने वाले हैं। आरोपी के द्वारा बतावा गया कि रोजाना वो 3 से 4 हज़ार रुपया के नकली नोट बनावत रहे और असली नोट के साइज में कटिंग करके बाजार में चलाए देते रहे। आरोपी के द्वारा बतावा गया कि 100 रुपया के नोट बीड़ी सिगरेट में चलावत रहे, जबकि 500 रुपया के नकली नोट का शराब की दुकान में चलावत रहे। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ कर रही है। तो बता दें कि नकली नोट के कारोबार जो है मध्य प्रदेश में शुरू हो चुका है और ऐसे में आप बेहद सजग रहने की जरूरत ही भाई कि कहाँ वो अपना लगे थे या नकली नोट नहीं पहुंच गया है। दे इजाजत रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। प्रणाम।